केलांचल टाइम्स, हर खबर पर हमारी नजर। नमस्कार, आप देख रहे हैं केलांचल टाइम्स, आपके साथ मैं हूं नैनी मिश्रा। मुखिया चुनाव की अधिसूचना जारी होते के साथ ही साथ तमाम जितने भी लोग हैं तैयारियों में जुटे हुए हैं। ना सिर्फ प्रत्याशी और प्रतिनिधि बल्कि जो लोग हैं उनके बीच भी चर्चा का विषय सिर्फ मुखिया चुनाव ही है। लोग चाहते हैं कि एक उचित उम्मीदवार चुन के लाए, एक उचित मुखिया बनाए, क्योंकि सब अब जागरूक है। सबको पता है कि एक उचित मुखिया चुनने से गाँव का विकास होगा और गाँव के विकास में ही उनका भी विकास निहित है। जितने भी प्रत्याशी और प्रतिनिधि हैं ज्यादा से ज्यादा वोट बटोरने की कोशिश में हैं। प्रतिनिधि भी चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा वोट मिल सके। हमारी टीम भी जानने की कोशिश कर रही है कि आखिर किस तरफ लोग सोच रहे हैं, क्या नीतियां लेकर के आ रहे हैं प्रत्याशी और प्रतिनिधि। इसी क्रम में हमारी टीम पहुंची बिहपुर जमालपुर पंचायत, जहाँ के मुखिया प्रत्याशी प्रतिनिधि से बातचीत हुई। हमारे सहयोगी ने उनसे क्या बात की है, आइए देखते हैं। उनके प्रतिनिधि हमारे साथ जुड़ चुके हैं। चल सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। सर, हमारे दर्शकों को अपना एक छोटा सा परिचय दीजिए। महंत नवकिशोर दास, और ऐसे तो हम यहाँ के महंत हैं, राम जानकी मंदिर बीपुर के, और राजनीति में भी सक्रिय हैं, जिला उपाध्यक्ष हैं भारतीय जनता पार्टी के, और वर्तमान मुखिया के प्रतिनिधि भी हैं। सर, जिस तरीके से हमने जाना कि तीन टर्म में यहाँ पे रहे थी पंचायत जो भी थी, तो ऐसे में कितना विकास आप लोगों ने इन 15 सालों में लाया और किन किन क्षेत्रों में आप लोगों ने काम किया? देखिए, हम लोग जनता के साथ हमेशा जुड़े रहते हैं, चाहे सुख हो या दुख हो। पांचों साल जनता के सुख में हम लोग जुड़े रहते हैं। सरकारी योजनाओं का तो हम लोग काम करवाते ही हैं। पंचायत का जो भी योजना आता है उस योजनाओं को हम लोग क्रियान्वित करवाते हैं, चाहे आज जो सड़कें बनी है पंचायत में, वो 7 निश्चय के तहत वो हम लोगों ने बनवाने का काम किया। मुखिया जी के निर्देशानुसार विभिन्न वार्डों में हमने सड़कें बनाने का काम किया, और नाला भी बनाने का काम किया, और गरीब लोगों को का राशन कार्ड बनाने का काम किया, वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, किसी को भी यहाँ पर वंचित नहीं रहने दिया गया है। जो भी लेने लायक है उसको लाभ दिया गया है, और यहाँ तक कि हम पंचायत की योजनाओं को छोड़कर एमएलए और एमपी से भी, यहाँ तक मंत्री से भी मदद लेकर के अपने पंचायत का विकास करते हैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ पंचायत की योजनाओं पर ही सिर्फ निर्भर रहते हैं। जैसे आप देख सकते हैं बगल में सर्वोदय हाई स्कूल है, मेरे गुरु महाराज महंत मधुसूदन दास जी ने बनवाया है। वो मॉडल स्कूल भी जो बना है, तो उस समय हमने शाहनवाज जी उस समय सांसद थे उनसे मदद लेकर के हमने मॉडल स्कूल बनवाने का काम किया, और प्लस टू भी बनवाने का काम किया। आप देखते होंगे ये स्वास्थ्य केंद्र, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, उसको अश्विनी कुमार चौबे जी उस समय स्वास्थ्य मंत्री थे, उनसे मिलकर के हमने सीएससी बनवाने का काम किया। तो आप देख सकते हैं दर्शकों कि इन्होंने काफी क्षेत्रों में काम किया, चाहे वो शिक्षा हो या अस्पताल की बात की जाए, जो कि एक आम इंसान के लिए काफी जरूरत होता है, और इन 15 सालों में इन्होंने बहुत सारे काम किए। सर, आप इस बार फिर से चुनाव लड़ रहे हैं, तो ऐसे में क्या उद्देश्य लेके इस बार आप चुनाव लड़ रहे हैं? स्वाभाविक है, इस बार पुनः हम चुनाव लड़ रहे हैं। इस बार जो बचा हुआ हमारा काम है, जैसे एक बहुत बड़ा नाला है जो कि मुखिया के स्तर से नहीं हो पाता है काम, जिसमें उसमें बहुत बड़ा फंड लगता है, वो है बिहपुर बाजार से बनकाली स्थान होते हुए थाना धार तक वो नाला बनेगा। इसके लिए हम अपने पंचायती राज मंत्री आदरणीय सम्राट चौधरी से जिसे भी बात किए हैं, और विभिन्न मंत्रियों से बात किए हैं, हम इसमें सांसद जी का भी मदद लेंगे,
और अपने विधायक जी का भी मदद लेंगे, सबों से मदद ले करके उस नाला को बनाने का काम करेंगे और शिक्षा के क्षेत्र में और स्वास्थ्य के क्षेत्र में और अधिक काम करने का हम अपने पंचायत में प्रयास करेंगे। और पंचायत का जो भी काम होगा पंचायती राज के तहत सर्वतोमुखी सर्वांगीण विकास जो है हम अपने पंचायत का करना चाह रहे हैं। सर क्या ऐसा काम है जो नहीं कर पाए 15 साल में जिसका दुख होता है? वो मैंने पहले ही कहा कि एक नाला है जो हम अभी तक नहीं बना पाए हैं, जो कि हमारे फंड के बस की बात नहीं है, उसमें 1 करोड़ रुपया से ज्यादा लगेगा। इसके अलावा कोई बड़ा काम जो करना चाह रहे हो इस पंचायत के? और हम चाहते हैं कि इस पंचायत में हम जैसे कॉलेज तो बन ही गया है, ग्रेजुएशन की भी पढ़ाई हो हमारे यहाँ, इसके लिए हम प्रयास करना चाह रहे हैं। बाकी और काम जो ही हमारे पंचायत का होगा, भाजपा के जिला उपाध्यक्ष शाहनवाज के खासम खास हैं, करीबी नेताओं में से एक हैं, टिकट दिलाने के लिए भी शाहनवाज जी ने एड़ी चोटी का मेहनत किया, किसी कारणवश नहीं मिल पाए। शाहनवाज जी हुसैन आज की डेट में बिहार में उद्योग मंत्री, क्या आपका ये कोशिश रहेगा कि बीरपुर पंचायत में कोई उद्योग के लिए कुछ काम? हाँ, हमारा कोशिश रहेगा, इसलिए है कि हमारे यहाँ बुनकर भी है, जमालपुर में हमारे पंचायत में 2 राजस्व ग्राम है, एक जमालपुर है एक बीरपुर है, और जमालपुर में ज़्यादातर बुनकर है जो कि ततमा जाति से है, तो वो लोग वस्त्र बिनाई का काम करते हैं, तो हम चाहेंगे शाहनवाज जी से उसमें मदद लें और एक लघु उद्योग जो है उसमें स्थापित कराने का काम करें। सर क्या उम्मीद है इस बार पंचायत की जनता से? पंचायत की जनता तो हमारी उम्मीद पर खरा उतरती है और पंचायत की जनता की उम्मीद पर भी हम खरा उतरते हैं, इसलिए जनता तो हमारे साथ है। क्या लगता है इस बार पुनः जीतेंगे? बेशक हम पुनः जीतेंगे, इसलिए जनता से हमको बहुत उम्मीद है। इस आपको मैं बता दूं कि एक बार ही सिर्फ हम खड़ा नहीं हुए थे जी। इसके पहले हमारे गुरुजी सब दिन यहाँ के मुखिया रहे और यहाँ के निर्विरोध प्रमुख भी रहे, तो यहाँ की जनता हमको बहुत चाहती है। अगर चीज मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि इनका जो परिवार है ये राजनीति में बहुत पहले से है। सर आपके जो और भी पूर्वज है वो भी राजनीति में, तो उनके बारे में बताइए क्योंकि बहुत सारे विकास उन्होंने भी किया है। महंत कौशल किशोर दास जी हमारे गुरु महाराज थे जो करीब 30 वर्ष तक यहाँ के मुखिया रहे और बाद में वो प्रमुख बन गए, वो भी उस समय नारायणपुर प्रखंड भी इसी में था, वो निर्विरोध प्रमुख यहाँ के बने थे, उन्होंने काफी विकास का काम किया था और उनके पहले भी जो हमारे उनके गुरु महाराज थे महंत मधुसूदन दास जी हमारे दादा गुरु, आप जो जितना भी स्कूल यहाँ देख रहे हैं मधुसूदन सर्वोदय उच्च माध्यमिक विद्यालय या फिर बेसिक स्कूल या संस्कृत हाई स्कूल या फिर अस्पताल देख रहे हैं या फिर वेटनरी अस्पताल देख रहे हैं, टोटल जो है महंत मधुसूदन दास जी का बनाया हुआ है। उसके बाद महंत कौशल किशोर दास जी ने ब्लॉक के सामने वाला जो है वो प्रखंड कॉलोनी प्राथमिक विद्यालय वो भी बनाने का काम किया, सुंदरसा में जो हाई स्कूल बना हुआ है उसमें महती भूमिका रही थी हमारे गुरु महाराज महंत कौशल किशोर दास की, मिल्की में जो मध्य विद्यालय बना हुआ है उसमें बहुत बड़ी भूमिका महंत कौशल किशोर दास जी की रही थी, तो वो पूर्ण रूप से सामाजिक थे, धार्मिक के साथ साथ सामाजिक थे, तो यहाँ का जो भी महंत होता है वह धर्मगुरु तो होता ही है लेकिन सामाजिक कार्यों में भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेता है और यही कारण है कि यहाँ की जनता हमको चाहती है, यहाँ जो भी महंत होते हैं उसको चाहती है। जनता से क्या अपील हुआ इस बार? जनता से यही अपील है कि जो परखा हुआ है आप निशाना उसी पर चलाइए, उसी पर जो परखा नहीं है तो स्वाभाविक है वहाँ धोखा मिलेगी और हमारी जनता जो है यहाँ परिपक्व है, वो किसी झांसे में नहीं आने वाली। सर ऐसे में एक बात और की जाए युवाओं की अगर बात की जाए तो भारत में काफी ज्यादा पॉपुलेशन और इन पे कहीं ना कहीं फ्यूचर डिपेंड करता है हमारा, तो ऐसे में आप युवाओं के लिए क्या करेंगे सर? युवा के लिए तो हमने पहले ही कहा कि हम ये बीरपुर को खेल का नर्सरी माना जाता है जी। और यहाँ वॉलीबॉल का, क्रिकेट का और आपका कबड्डी का
स्टेट चैंपियनशिप वगैरह हो चुका है, हम खेल को भी बढ़ावा देना चाहेंगे ताकि जो युवा को अवसर शिक्षा के क्षेत्र में नहीं मिला है और खेल के मामले में उनको प्रतिभा है, तो उनका प्रतिभा जो है जनता देखे और देश देखे, राज्य देखे, उसके प्रतिभा का सरकार लाभ उठावे, तो हम चाहेंगे कि हम हमारे यहाँ खेल का भी बढ़ावा हो। और शिक्षा के क्षेत्र में तो हम लोग मेहनत कर ही रहे हैं, हमने पहले भी कहा कि प्लस टू बन चुका है और हम ग्रेजुएशन चाह रहे हैं कि ग्रेजुएशन भी यहाँ पढ़ाई हो। सर, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। एक चीज तो हमने देखा कि इन्होंने सिर्फ रोटी कपड़ा मकान पे काम नहीं किया, बाकी इलाकों में भी बहुत सारी चीज़ों पे इन्होंने काम किया। शिक्षा के क्षेत्र में सिर्फ प्लस टू की बात नहीं की जा रही है, ग्रेजुएशन के बारे में भी सोच रहे हैं। अभी हम जब आ रहे थे रास्ते में हमने अस्पताल भी देखा, तो बहुत सारी चीज़ों पे इन्होंने काम किया। और हम उम्मीद करते हैं कि इस बार अगर ये चुनाव लड़के जीत कर आते हैं तो ज़रूर कुछ ना कुछ इस क्षेत्र के लिए तो ज़रूर करेंगे और विकास हमें एक नए रूप से देखेंगे और एक नया चेहरा देखेंगे इस गाँव का। तब तक के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए किलांचल टाइम्स पर हमारी नजर।